खेल जगत से इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। आईपीएल पर कोरोना की मार देखने को मिली है। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच आईपीएल सस्पेंड हुआ है। पिछले कुछ दिनों से आईपीएल की कई टीमों में कोरोना के केस सामने आए थे, जिसके बाद बीसीसीआई ने ये बड़ा फैसला लिया। आईपीएल प्रशासन ने अनिश्चितकाल के लिए मैच टाल दिए हैं। दो और खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, शाह और अमित मिश्रा को कोरोना हुआ है। इससे पहले वरुण चक्रवर्ती और संदीप भी कोरोना पॉजिटिव हुए थे। टी20 के बाद फिर आईपीएल कराने का फैसला बीसीसीआई ले सकता है। आईपीएल में अभी 31 मैच बचे थे, तो टी20 वर्ल्ड कप होना है। उसके बाद जानकारी मिल रही है कि बीसीसीआई इन मैचों को कराने का फैसला ले सकता है। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए कहीं ना कहीं ये खबर जो है वो उन्हें निराश कर सकती है, क्योंकि इस कोरोना काल में जो लोग लॉकडाउन में अपने घर पर समय बिता रहे हैं, उनके लिए ये कहीं ना कहीं एक शौक जैसा है, क्योंकि लोग इसे देख रहे थे और इसी से ही अपना मनोरंजन कर रहे थे। लेकिन इसी बीच लगातार कोरोना की मार आईपीएल पे पड़ती हुई नजर आ रही है। पहले दो पॉजिटिव मिले और अब दो खिलाड़ी और पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है। अनिश्चितकाल के लिए मैच टाल दिए गए हैं। टी20 विश्व कप के बाद बीसीसीआई बड़ा फैसला ले सकता है कि आईपीएल के जो मैच बचे हैं 31 मैच वो कराने हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।